गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर ना कुछ एरर दिए थे, एक बार इन एरर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है जी मोर इमिग्रेंट्स हैव फॉरगॉटन देयर नेटिव कल्चर्स बिकॉज ऑफ एक्लचरेशन इन देयर न्यू कंट्रीज। भाई एक बात बताओ, इमिग्रेंट्स दिख रहा है आपको, इमिग्रेंट्स इसके पीछे एस लगा है, एस लगा है तो ये कैसा नाउन है जी, ये काउंटेबल नाउन है, इतनी सी बात क्लियर। अब आप एक बात देखो, मोर नाम का एडजेक्टिव लगा है आप, तो ये तो एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, हमने तो पढ़ा था मैनी मोर मोस्ट पढ़ा था। भाई जब कंपैरिजन करते हो तो किसी ना किसी चीज़ से तुलना करते हो और उसके लिए आप क्या लगाते हो, देन। पहली चीज आगे पढ़ने पर कहीं पर भी मुझे ये वाला हमारा देन नहीं मिला। दूसरी चीज तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर कंपैरिजन तो करना ही नहीं था, कंपैरिजन नहीं करना था तो फिर इसने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगा दी, फिर इसको क्या लगाना था जी, मैनी लगा देता है ना। जब कंपैरिजन ही नहीं किया तो फिर भाई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगा, पॉजिटिव डिग्री तो मैनी होती है, मैनी मोर मोस्ट मच मोर मोस्ट, तो यहाँ क्या आता है मैनी इमिग्रेंट्स, बात क्लियर हो गई। अब देखो दो वर्ड और सीखते हैं इसके अंदर, एक वर्ड इसके अंदर मिला जी इमिग्रेंट। आप सबने जब ग्रेजुएशन की थी तो आप यूनिवर्सिटी अगर चेंज करते हो तो उसके बाद ना आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद, अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहें तो। तो इसके अंदर वही तो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब ट्रांसफ़र, माइग्रेंट का मतलब क्या हुआ जी, ट्रांसफ़र। और इसने क्या लिखा, इसने लिखा इम, इम का मतलब इनसाइड, यानी इनसाइड ट्रांसफ़र, यानी जब कोई हमारे देश में काम करने के लिए आता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इमिग्रेंट है, क्या है जी वो इमिग्रेंट। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड निकल कर आया एमिग्रेंट। अब देखो माइग्रेंट का मतलब ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ई, ई हमने पढ़ा था रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आउट, सफिक्स है एक ई प्रीफिक्स है, सॉरी ई प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है आउट, है ना। तो भाई बाहर की तरफ जा रहा है, यानी हमारे देश से बाहर की तरफ अगर काम करने के लिए जा रहा है तो वो क्या हो गया जी, वो एमिग्रेंट हो गया। यानी एक चीज़ देखो, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना इन दोनों वर्ड में, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो इमिग्रेंट होता है ना वो क्या होता है, एक एक्ट होता है, किस चीज़ का एक्ट होता है जी, एक्ट ऑफ कमिंग, मतलब एक्ट ऑफ कमिंग की हमारे देश में आ रहा है, एक्ट ऑफ कमिंग या फिर एंट्रिंग, एक्ट ऑफ कमिंग कह लो या फिर आप इसे कह सकते हो एक्ट ऑफ एंट्रिंग। और जो एमिग्रेंट होता है जो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है जी, ये एक्ट होता है किस चीज़ का, लीविंग का, छोड़ के जाने का। बात क्लियर, मेरे हिसाब में क्लियर हो गई दोनों वर्ड्स। अब देख लो एक वर्ड और दिखा एक्लचरेशन। एक्लचरेशन क्या होता है जी, इसके अंदर खुद ही तो दिखा रहा है कल्चर, कल्चर क्या होता है, हमारी सोसाइटी के रीति रिवाज। एक ए लगा के नेगेटिव प्रीफिक्स लगाया, मतलब उनको छोड़ दिया, ठीक है, अपने कल्चर और रीति रिवाजों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो दूसरे नए देशों में बस जाते हैं, इसलिए वो अपने वहाँ के कल्चर छोड़ देते हैं। बात क्लियर, इसके अंदर एरर आना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब जल्दी से इसको पढ़ो, क्या कहता है जी, जॉनी डेप इज नोन फॉर एसेंट्रिक परफॉर्मेंस दैट बस्ट फ्रॉम वर्व एंड एनर्जी। जॉनी डेप किसी का नाम है, कहता है ये तो किस लिए जाना जाता है जी, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है ना वो कैसी होती है, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मीनिंग होता है एकदम सनकी सी, मतलब एकदम पागलों की तरह परफॉर्म करता है जब वो परफॉर्म करता है, जो किस चीज़ से भरी होती है, दैट बस्ट फ्रॉम वर्व एंड एनर्जी। वर्व का मीनिंग भी क्या होता है जी, एनर्जी, उत्साह, जोश। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि देख के लगता है वो तो पागल हो गया, किस चीज़ से पागल हो गया, उत्साह से और ताकत से। बस्ट जो होता है ना, बस्ट फ्रॉम का मतलब तो पता है क्या मीनिंग हो रहा, बस्ट का एक मतलब होता है फटना, है ना, तो बस्ट फ्रॉम का मतलब तो हो गया कि भाई जॉनी डेप जो है बस फटने वाला है। क्यों फटने वाला है, क्योंकि वो भरा हुआ है किससे, उत्साह से और एनर्जी से। मुझे ऐसी सेंस नहीं देनी, मुझे ऐसी सेंस देनी है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है ना वो भरी हुई होती है। तो बस्ट का मीनिंग होता है फटना। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों बस्ट का मीनिंग फटना होता है। बस्ट का ना एक्चुअली मीनिंग होता है टू बी फिल्ड, भरा हुआ है, और कहाँ तक भरा हुआ है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक भरा हुआ है, इस पॉइंट के बाद वो चीज़ फट जाएगी, इसीलिए इसका मीनिंग आम चलन में यूज़ होने लग गया था क्या, फटना। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, टू बी फिल्ड, की भाई भरा हुआ है। तो हमें ऐसी सेंस ही तो देनी थी कि उसकी परफॉर्मेंस एनर्जी और जोश से भरी होती है, ना कि जोनी खुद भरा होता है। तो फ्रॉम को हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा विद, कि भाई उसकी परफॉर्मेंस जो है बस्ट विद वर्व एंड
एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया, एरर था थर्ड पार्ट में। अब देखो, कहते हैं शाउटिंग इंसल्ट्स। शाउटिंग इंसल्ट्स का मतलब, शाउटिंग का मतलब चिल्लाना, इंसल्ट का मतलब आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो। शाउटिंग इंसल्ट का मीनिंग क्या होता है? गुस्से में चिल्लाना। क्यों चिल्लाओगे आप गुस्से में? किसी को बेइज्जती करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए। शाउटिंग इंसल्ट द फ्यूरियस कोच। कोच कैसा है? फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी थी, वही वाला तो फ्यूरियस है, मतलब गुस्से से भरा हुआ कोच। अपब्रेडिंग ऑफ हिज प्लेयर्स, अपने प्लेयर्स को अपब्रेड करता है। अपब्रेड वर्ड तो हमने वो कैब भी देसी तड़का में सीख लिया था। कैसे सीखा था सर ने, कैसे याद करवाया था जी? ब्रेड होती है चोटी, किसी लड़की की चोटी को अगर आप अप कर दोगे तो वो लड़की गुस्सा हो जाएगी, आपको डांटने लगेगी। तो कहता है भाई शाउटिंग इंसल्ट जो फ्यूरियस कोच, कोच गुस्से से भरा हुआ कोच जोर जोर से चिल्ला रहा था, इंसल्ट कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था अपने प्लेयर्स को। कब? आफ्टर द टीम लॉस, जब टीम मैच हार गई। उस चीज को कहां तक सुना जा सकता था? कुड बी हर्ड वे बैक द स्टैंड्स, ये एक फ्रेज था, वे बैक द स्टैंड्स। तो भाई वे बैक द स्टैंड्स नहीं, वे बैक द स्टैंड्स ने गड़बड़ कर दी। आपको क्या लगाना था जी? वे इनटू द स्टैंड। बैक को हटा के क्या लगाते? इनटू लगाते। देखो वे इनटू द स्टैंड का क्या मतलब हुआ कि जहां तक लोग खड़े थे ना, मान लो यहाँ कोच खड़ा था, ये प्लेयर थे, यहाँ भी लोग खड़े थे, ये गधा इतनी तेजी से इनके ऊपर चिल्ला रहा था कि उन लोगों तक को सुन रही थी, जहाँ तक लोग खड़े दिख रहे थे वहाँ तक इसकी आवाज़ जा रही थी। कोई ऐसी सेंस देनी थी। फोर्थ पार्ट में एरर था। बैक को हटा के क्या लगाते जी? बैक को हटा के आप लगाते इनटू, बैक को हटा के इनटू लगाते। अब 24 को देखो, मैंने भी आपको सिखाया था कि भाई सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ब से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी और कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, वरना वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम कहते थे इन्वर्जन हो गया जी, इन्वर्जन हो गया। वर्ब से सेंटेंस की स्टार्ट कर दी, कोई इंटरोगेटिव भी नहीं है और इसका सब्जेक्ट भी नहीं पता लग रहा, जब ऐसा होता है तो वो सेंटेंस कैसा होता है? इंपेरेटिव होता है, एक आदेश देता है, देता है आपके अपने सामने खड़े व्यक्ति को, ऑर्डर देते हो, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज लीव द रूम, प्लीज क्लीन माई हाउस, है ना? किसको कह रहे हो? जो आपके सामने खड़ा है, यानी इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है क्या? यू, सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है यू। अब कहता है डज नॉट फॉरगेट टू वियर सनस्क्रीन और यू विल गेट सनबर्न। कहता है भाई सनस्क्रीन को लगाना मत भूलना, नहीं तो तुम्हें सनबर्न हो जाएगा, धूप से तुम्हारी स्किन जल जाएगी। ये किसको एडवाइस दे रहा है? जो इसके सामने खड़ा है। इसके सामने खड़ा है, इस तरह के सेंटेंसेज में हम सब्जेक्ट क्या मानते हैं जी? हम सब्जेक्ट मानते हैं यू। अब यू तो मेरा प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर मैं डज क्यों लगाऊंगा? मैं क्या लगाऊंगा? डू। मैं कहूंगा डोंट फॉरगेट टू वियर सनस्क्रीन, सेंटेंस क्या बन सकता था? यू शुड नॉट फॉरगेट टू वियर सनस्क्रीन, यानी डोंट फॉरगेट। तो भाई यू को ये बात कह रहा है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब डज नहीं, क्या आती है? डू आती है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर था। आगे देखो, बिकॉज बिल नोज ही वॉज इनोसेंट ही इज गोइंग टू वेव हिज राइट टू एन अटॉर्नी। कहता है भाई जो बिल था ना, कोई बंदा है, उसका नाम है, बी कैपिटल है, उसको पता था कि वो इनोसेंट है, इसीलिए ना वो अपना अधिकार छोड़ रहा था अपने वकील के ऊपर। कोई ऐसी सेंस दी। तुम एक बात समझो, ऐसा थोड़ी है वो कल इनोसेंट था आज वो गिल्टी हो गया, उसको पता था भाई कि वो इनोसेंट है, तो ये चीज़ तो एक प्रेजेंट टेंस की बात करता ना। इनोसेंट तो आज भी है, कल भी रहेगा अगर इनोसेंट है तो। और यहाँ भी देखते प्रेजेंट की वर्ब लगाई, इज लगाया, है ना, He is going to, तो भाई बीच में ये was innocent क्यों लगा गया? यहीं तो गड़बड़ कर गया, क्या लगाना था? He is innocent, present की वर्ब लगाता है, innocent तो है ही अगला, present की बात है, बात क्लियर। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है जी shoulders slouched she sat let out by the sight of her daughter in intensive care due to drug overdose। slouch का क्या मीनिंग होता है? झुकाना, कंधे झुका के बैठना, वो कंधे झुका के बैठ गई, कंधे झुका के बैठ गई। लेट आउट, एक्चुअली आपको क्या करना था, जो वर्ड ब्रैकेट में दिया था आपको पता लगाना था इसका सही मीनिंग भी दिया है या गलत मीनिंग इसने दिया है। ठीक है, तो कहते हैं भाई वो कंधे झुका के बैठ गई, ठीक है, लेट आउट बाय द साइट ऑफ हर डॉटर, कहाँ बैठ गई? अपनी डॉटर के पास में बैठ गई और उसकी इंटेंसिव, साइट आउट ऑफ द डॉटर का मतलब बताता हूँ, अपनी डॉटर को देख के, दृष्टि, साइड का मतलब दृष्टि, अपनी डॉटर को देख के वो कंधे लटका के बैठ गई इंटेंसिव केयर, उसकी केयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक ड्रग की ओवरडोज ले रखी थी, कुछ ऐसी सेंस दे रहा है। तो लेट आउट का हर हाल में गलत यूज़ किया, भाई उसने अपनी बेटी को ओवरडोज देखा ड्रग की लेते हुए, उस हालत में देखा तो वो उदास हो गई ना, वो उदास हो गई, तो
उदास होने के लिए हमें कौन सी फ्रेजल वर्ब चाहिए थी? लेट आउट नाम की यहाँ फ्रेजल वर्ब नहीं लगती, क्या लगता? लेट डाउन लगता। हमने पढ़ा था लेट डाउन के दो मीनिंग, एक तो मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को आलोचना करना, नेवर लेट डाउन एनी वन इन योर लाइफ, पढ़ा था ना, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को गिरी हुई नजरों से मत देखो, और एक लेट डाउन का मीनिंग निराश हो जाना, उदास हो जाना। तो जब उसने अपनी बेटी को देखा नशे की ओवरडोज की हालत में, तो उसने क्या किया, कंधे झुकाए, परेशान होकर बेचारी बैठ गई, निराश हो गई अपनी बेटी को उस हालत में देख के। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तो फ्रेजल वर्ब को रिप्लेस करना था, ये आंसर आते था। लेट इन का मतलब होता है अलाउ करना, लेट इन का मीनिंग क्या होता है, अलाउ करना, किसी को कोई ना कोई इजाजत देना। लेट ओवर जैसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं थी। ठीक है, मिल गया आपको आंसर। अब देखो आगे, तुम यहाँ टिक चूज कर लेना भाई, मैंने उसमें बता दिया तुमको। ठीक है, देखो क्या कहता है जी, कहता है आई एम ए मैराथन रनर शाशा, लेट अस सी इफ यू कैन कीप अप विद मी। कोई कहती है, कोई लड़की कहती है कि भाई मैं तो मैराथन रनर हूँ, मैराथन रनर मैराथन रेस नहीं होती बड़ी सी, खूब लंबी रेस होती है, कहती है मैं तो वो रनर हूँ, लेट अस सी, आओ देखो, यू कैन कीप अप विद मी। यू कैन कीप अप, कीप अप विद का मीनिंग क्या होता है जी, टू मैच दी स्टैंडर्ड्स, टू मैच दी स्टैंडर्ड्स। मैं एक होटल में गया, मैंने देखा होटल बहुत महंगा है, तो भाई मैंने खाना खाने का वहाँ सोचा, और होटल ने मुझे मेरी उम्मीद के अनुसार ही खाना भी परोस दिया। तो होटल ने क्या किया, कीप अप विद मी, मेरी उम्मीद के अनुसार काम किया। अब ये वही तो बात कह रही है, ये लड़की कह रही है मैं तो एक मैराथन रनर हूँ, इसके सामने कोई और बंदा है, बंदी खड़ी है, उसको कह रही है कि आ जाओ मेरे साथ रेस लगाओ, देखते हैं तुम मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता ही नहीं थी। बात क्लियर? कहते हैं कीप इट विद, कीप इट का मतलब होता है अपने पास में रख लेना। हम कहते भी तो हैं कीप इट विद यू, ये चीज़ तेरे पास में रख ले, कीप इट, कीप दिस, तो मतलब अपने पास में कोई चीज़ रख लेना, टू हैव समथिंग। आगे क्या कहते हैं जी, आगे कहते हैं कीप इन विद, कीप इन विद का मीनिंग होता है किसी के साथ में अच्छे संबंध होना, और अच्छे संबंध आपके चल रहे हैं, यानी टू कंटिन्यू टू बी फ्रेंड, यानी आप उसके अभी भी क्या हो जी, फ्रेंड हो, टू कंटिन्यू टू बी फ्रेंड, टू कंटिन्यू टू बी फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो भाई हाँ, और ये कीप ओवर विद वाली कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं थी, तो इसमें तो रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं थी, इसका आंसर था नो इम्प्रूवमेंट। 28 को देखो, वॉक इवन इफ यू कांट सी द रोड, हैव फेथ एंड होल्ड इन टाइट। एक मोटिवेशनल कोट है, कहता है अगर आपको रास्ता नहीं भी दिखता ना तो भी आप चलते रहो, वॉक इवन इफ यू कांट सी द रोड, सड़क नहीं दिख रही, रास्ता नहीं दिख रहा, तो भी चलते रहो। हैव फेथ, हैव फेथ का मतलब विश्वास रखो, एंड होल्ड इन टाइट, और साथ ही साथ होल्ड इन करो, टाइट मतलब जिस पोजीशन पर आप हो, जो चीज़ आप कर रहे हो उसको करते रहो, फॉर्मली उस चीज़ से जुड़े रहो, भले ही आपकी लाइफ में आज निराशा हो लेकिन आपको पीछे नहीं हटना। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो भाई होल्ड इन ने तो सेंस दी ही नहीं, होल्ड इन ने कोई काम की सेंस नहीं दी। मुझे क्या करना है जी, मुझे कहना है कि उस सिचुएशन को बनाए रखो ना, उस सिचुएशन को आप कंटिन्यू रखो। होल्ड ऑन मैंने पढ़ा, होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है, कैरी ऑन। भाई आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी लाइफ में दिक्कत है, मान लो हमें रास्ता नहीं दिख रहा, तो भी हम मेहनत करते जाएंगे, यानी हम अपनी उस सिचुएशन को क्या रखेंगे जी, कैरी ऑन रखेंगे। बात क्लियर? प्लेसमेंट होती, होल्ड ऑन आता। होल्ड ऑफ का मीनिंग होता है फेल टू अकर, कोई चीज़ होने वाली थी और वो चीज़ हो ही नहीं पाई। होल्ड ऑफ का क्या मीनिंग होता है जी, फेल्ड टू अकर। अब बात करता है जी होल्ड इट इन, होल्ड इट का मतलब होता है टू स्टॉप। होल्ड इट का मतलब क्या होता है जी, टू स्टॉप, कोई काम आप कर रहे थे, आपने करना बंद कर दिया। क्या आंसर आता है यहाँ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यानी सी, यानी इसका आंसर लगा देते आप डी, डी में ही दे रखा है ना, ओनली ऑप्शन सी। अब आप देखो 29 में क्या करना है जी, द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस केस वॉज द बिगेस्ट बुली एंड एक्सपेक्टेड इट एम्प्लॉयज टू गिव ऑफ टू इट्स अनडेविएटिंग पॉलिसी। कहते हैं भाई इस केस में ना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बिगेस्ट बुली है, बुली होता है गड़बड़ करने वाले, जिसका फॉल्ट हो, जिसकी गलती हो, वो है, और वो क्या एक्सपेक्ट करिए अपने एम्प्लॉयज से कि जो उनकी अनडेविएटिंग पॉलिसी है ना कंपनी की, उनको हमारे एम्प्लॉयज मान ले, कोई ऐसी बात कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, फ्रेजल वर्ब देखनी थी आपको, हमने पढ़ा था गिव इन, गिव इन का एक्चुअल में सेम टू सेम मीनिंग होता है किस चीज़ से के साथ में, गिव अप। गिव अप या गिव इन का मीनिंग क्या होता है, टू सरेंडर कर देना, विलफुली अपनी चीज़ को छोड़ देना, है ना, उस चीज़ में फ्रेजल वर्ब लगती है ये। तो यहाँ तो आंसर आता है जी सी, क्या आंसर आता है सी, गिव आउट और गिव अबाउट, गिव आउट और गिव अबाउट, इनका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज़ आपके पास है आपने वो चीज़ बांट दी, टू डिस्ट्रीब्यूट।
बात क्लियर हो गई, ऐसी सेंस देनी थी। तो भाई कहता है कंपनी चाहती है कि जो एम्प्लॉयज है उसकी शर्तें मान ले और अपने स्टैंड को गिव अप कर दे या गिव इन कर दे। सी आंसर आता, सी आंसर ऑप्शन में दिया था जी, सी ऑप्शन में, ओनली सी। देखो आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, एक सेकंड। द लेडी विद येल्लो बैग इज गेटिंग ऑफ एट वाटरलू। देखो कोई लेडी येल्लो बैग के साथ में गेटिंग ऑफ एट वाटरलू, वाटरलू का डब्ल्यू कैपिटल किसी जगह का नाम होगा। गेटिंग ऑफ का क्या मीनिंग होता है जी, गेटिंग ऑफ जैसी तो कोई फ्रेजल वर्ब होती ही नहीं। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में क्या थी, गेटिंग ऑफ ना होके ये वाला ऑफ लगाना था। ये वाले ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू लीव ए बस, किसी बस से ट्रेन से नीचे उतरना है ना, किसी प्लेन से नीचे उतरना। तो ऐसी तो बात कर रहा है कि भाई जिस औरत के पास में येलो कलर का बैग था वो वाटर लू पे नीचे उतरी थी, तो गेट ऑफ आपको लगानी थी। बात क्लियर, ये जो दी थी ये वाली कोई फ्रेजल वर्ब थी नहीं। अब बात कर लो गेटिंग आउट, गेटिंग आउट नहीं, गेट आउट होता है किसी जगह को छोड़ के निकल जाना, बाहर निकल जाना, ऐसी सेंस देता है। गेटिंग ओवर का मीनिंग होता है गेट ओवर, गेट ओवर का मीनिंग होता है किसी बुरी चीज़ से ठीक हो जाना। अब वो बीमारी भी हो सकती है, कोई मानसिक स्थिति भी हो सकती है, कोई आपकी कंडीशन भी हो सकती है, बुरी चीज़ से आप कवर अप कर गए तब कहते हैं जी गेट ओवर। बहुत बार कहते हैं इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट ओवर फ्रॉम दैट सिचुएशन, भाई उस परिस्थिति से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे, आंसर था इसका गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ का मतलब उतरना, छोड़ना, इस तरह की कोई सेंस दे रहा है। अब देखो 31st में क्या कहता है, 31st में ना स्टार की थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, ये स्टार्स वगैरह कैसे काम करते हैं। तो फिजिक्स वाले बच्चों को तो पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी देख लो, जितना जानना जरूरी है उतना तो जान ही लेंगे। ये क्या कहता है जी, ये कहता है ए ब्लैक होल ऑल बाय इट्स लोनसम, लोनसम का मीनिंग होता है अकेला, यानी एक डज नॉट डू मच ऑफ एनीथिंग, यानी एक ब्लैक होल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इवन व्हेन इट ईट्स सम गैस, और जब वो किसी गैस को खा लेता है, खा क्या लेता है, उसके अंदर चली जाती है और डस्ट को, तो भी वो इतना भी एफिशिएंट नहीं होता कि वो उसको कन्वर्ट कर सके किस चीज़ में, अपने फूड में या फिर एक्सरेज में और एनी फॉर्म एक्सरेज में और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन। भाई उसने किसी गैस डस्ट को ले ली तो वो स्टार जो ये ब्लैक होल है ना, ये उसको किसी भी रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन बट व्हेन ए ब्लैक होल, जब कोई ब्लैक होल या फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार या फिर कोई वाइट ड्वार्फ, कोई और प्लैनेट, व्हेन दे हैव स्टेलर कंपेनियन, कैसा कंपेनियन, स्टेलर कंपेनियन, स्टेलर का मीनिंग होता है मुख्य, कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी। जब उनके पास में कोई मुख्य साथी होता है तो वो क्या करते हैं, दैट इज ए लिविंग स्टार, यानी कौन है उनका मुख्य साथी, एक लिविंग स्टार यानी कि एक जिंदा तारा। दैट स्टार विल शेड गैस एंड फॉर्म ए ड्रिंक, सॉरी दैट स्टार विल शेड गैस एंड फॉर्म ए डिस्क अराउंड द ब्लैक होल। भाई जब इनके पास में कोई और तारा होता है, कोई जिंदा तारा होता है, तो वो तारा क्या करता है जी, गैस को शेड करता है, अपने आप से बहा देता है और एक तरह की डिस्क बना देता है इनके अराउंड। और ये डिस्क जो होती है बहुत गुड होती है किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए, जो एक्सरे डिटेक्ट कर लिया जाता है किस चीज़ से, पावरफुल टेक्नोलॉजी से। अब तुम एक बात समझो, पहली लाइन में इसने क्या कहा, पहली लाइन में इसने कहा कि इनके पास ब्लैक होल में अकेले के पास तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो एक्सरे की किसी रे को बना पाए, लेकिन कोई और तारा इनके पास आता है वो इनको शक्ति देता है, वो तारा शक्ति देता है तो वो तारा तो खत्म हो रहा है ना, वो अपनी गैस उनको दे रहा है, उस टाइम पे वो इनके बाहर रिंग बना देता है जो एक्सरेज को क्या करती है जी, डिटेक्ट कर देती है बाय पावरफुल टेक्नोलॉजी, जो एक्सरेज से डिटेक्ट हो जाती है। यानी इस ब्लैक होल को अपनी एनर्जी किसी और चीज़ से मिल रही है, किसी और साथी से मिल रही है, और वो साथी अपना काम करने के बाद बेचारा ख़त्म हो जाता है। इस तरह की बात इसने पहली लाइन में की। देखो अब आप ऑप्शंस पढ़ो, ई को पढ़ो एक बारी, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड एविडेंस ऑफ ए हैंडफुल ऑफ द लाइकली थाउजेंड्स ऑफ लाइट गोबलिंग ऑब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ गैलेक्सी। तो भाई गैलेक्सी का कोई जिक्र ही नहीं किया, ये तो एक ब्लैक होल की बात की इसने, है ना, और दूसरी बात इसने, चलो सारा कुछ छोड़ो, एस्ट्रोनॉमर का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया इसने,
एस्ट्रोनोमर को हटाओ। अब कहता है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट रेयर फॉर ए ब्लैक होल टू सक्सेसफुली लैसो ए स्टार विद इट ग्रेविटी एंड स्टार्ट चोम्पिंग डाउन ऑन इट, सो देयर मस्ट बी मैनी मोर आउट विदाउट ए कंपेनियन देन विद वन। नहीं समझ में आया क्या कहता है, सी को पढ़ो। विदाउट कैनिबलाइज स्टार टू लाइट द वे वी कांट सी ब्लैक होल विद करंट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही वाला इसका आंसर। कैसे आंसर बना देखो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो क्या कहता है भाई, ब्लैक होल के पास अकेले की कोई औकात नहीं, किसी तरह की रेज नहीं बना सकता। इसके पास में कोई लिविंग स्टार आता है तो ये लिविंग स्टार क्या करता है जी, एक तरह का चेंबर इसके आसपास बना देता है। अब ये चेंबर हवा में तो बनाएगा नहीं, ये अपनी गैस को दे के बनाता है, जिस वजह से ये चेंबर, ये डिस्क जो बनती है, ये डिस्क एक्सरे के थ्रू डिटेक्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि यहाँ एक ब्लैक होल जैसी चीज़ है। एक्सरे से डिटेक्ट हो जाता है, यानी डिटेक्शन की बात हो रही है। और आगे देखो इसी के अंदर तो कह रहे हैं कि भाई हम बिना, अगर उसके आसपास कोई और स्टार नहीं आएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। सबसे स्ट्रॉन्ग दावा पता है किस चीज़ ने पुख्ता किया इसको, कैनिबलाइज्ड गम। कैनिबलाइज्ड क्या होता है, कैनिबल क्या होता है आपको पता है, आइलैंड वगैरह पर प्लेन वगैरह क्रैश हो जाए, पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं, कुछ खाने को होता नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खा जाता है। कुछ खाने को नहीं था, एक शेर की, एक टाइगर की मौत हो गई, दूसरा टाइगर उसको खा गया। कैनिबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, एक चीज़ कोई इंसान, कोई मशीन खराब हो गई, ख़त्म हो गई, दूसरी चीज़ ने उससे अपनी नेसेसरी चीज़ें निकाल ली, इसको लाइफ मिल गई, ये ख़त्म हो गया, ये मीनिंग हो गया कैनिबल का। तो इस ऐसी तो बात कर रहे हैं कि स्टार कैसा है, कैनिबलाइज स्टार है भाई। वो वाला ब्लैक होल वाला तो एक डेड था, उसके पास में लिविंग आया, वो छल्ले से इसके आसपास बनाएगा, जब तक बनाएगा तब तक डिटेक्ट होगा, फाइनली वो खत्म हो जाए। यानी ये जिंदा क्यों हुआ, इसकी वजह से। इस वजह से ना मुझे पता लगा कि ये वाली इसकी एग्जैक्टली पेयर बनता। हालांकि अगर तुम्हें ये बात नहीं पता थी तो भाई बी में भी बहुत कन्फ्यूजन होती, बी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी और डी में भी कन्फ्यूज़न हो रही थी, लेकिन हमें कैनिबलाइज्ड का मीनिंग पता था तो हमने इसको लगाया, ये इसका आंसर था सी वाला। अब तुम आगे पढ़ो, देखो आगे मैं क्या कहता है, इसके अंदर एरर बताने थे, अगर कोई एरर था क्या किसी सेंटेंस के अंदर। कहता है जी, मिस्टर क्लार्क इंश्योरेंस कंपनी हैड इश्यूड ए समन फॉर अनपेड मॉर्टगेज रीपेमेंट। भाई मिस्टर क्लार्क की इंश्योरेंस कंपनी ने ना उसको एक समन भेज दिया। क्यों समन भेज दिया, क्योंकि भाई साहब ने लोन की किस्त नहीं चुकाई। तो पहला एरर हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी भाई यहाँ पर इश्यू नहीं, क्या चाहिए, इश्यूड चाहिए, यानी ए के सेकेंड वाले के अंदर तो एरर है। दूसरी चीज बच्चों को शायद लगी होगी कि जी समन्स के आगे ए क्यों लगाया है ना, ए तो सिंगुलर नाउन के आगे लगता है, तो ये इसीलिए बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि समन जो है एक सिंगुलर ही नाउन है, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो इसके पीछे ईएस लगाते हैं, यानी इस समन को, ये नाउन ना, मैं तुम्हें नाउन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि नाउन एक बहुरूपी है जो अपने रूप बदलता रहता है, तो भाई ये समन देखने में आपको लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके आगे ए आर्टिकल लगा, इसका प्लूरल समन्सिस बनता है। यानी इस ए वाले में एक ही गलती है, क्या गलती है जी, इसके सेकंड पार्ट में गड़बड़ है, हेड इशूड करो। अब दूसरा पढ़ो, दीज कॉन्ट्रेस्टिंग वैल्यूज एंड पोलिटिकल एलिजेंसिस डेमोन्स्ट्रेट द लैक ऑफ एनी नेसेसरी कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन इलाइट मैथडोलॉजी स्टेट थ्योरी एंड पोलिटिकल वैल्यू। ग्रामर के हिसाब से देखो कोई भी गड़बड़ सेंटेंस के अंदर नहीं है, मीनिंग चाहे ना निकाल लो। दीज कॉन्ट्रेस्टिंग वैल्यूज, दीज के बाद प्लूरल नाउन लगाया, एंड से जोड़ रहा है पोलिटिकल एलिजेंसी, दो चीज़ों को एंड से जोड़ के सब्जेक्ट को क्या बनाया, प्लूरल बनाया, इसीलिए वर्ब भी क्या बनाई, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्लूरल वर्ब बनाई। द लैक ऑफ एनी नेसेसरी कोरस्पोंडेंस बिटवीन इलाइट मेथडोलॉजी स्टेट थ्योरी एंड पोलिटिकल वैल्यू, बिल्कुल कोई गड़बड़ इसके अंदर नहीं की, बी वाले में कोई समस्या नहीं आई। सी को पढ़ो, ए ड्रॉट कॉज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू प्लमेट 11% इन 1995 ड्राइविंग अप फूड प्राइसेस एंड रिटार्ड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई सूखा पड़ गया, उस वजह से क्या हुआ, जो कृषि की प्रोडक्शन थी वो घट गई, प्लमेट का मतलब होता है गिर जाना एकदम तेजी से, 11% पर आ गई थी 1995 में, उसकी वजह से क्या होता है ड्राइविंग अप फूड प्राइसेस, भोजन का जो मूल्य था वो बढ़ गया था, और साथ ही साथ रिटार्ड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई बच्चों एक बात बताओ, ड्राइविंग अप हुआ था तो यहाँ पर भी रिटार्ड की बजाय क्या लगाना पड़ता आपको, रिटार्डिंग लगाना पड़ता,
करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी उसने रिटार्ड कर दिया। रिटार्ड का मतलब होता है रिटार्डेशन, नहीं पढ़ी थी क्या तुमने फिजिक्स में एक्सेलरेशन की उल्टी, रिटार्डेशन, घटा दी उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो भाई यहाँ पर पार्टिसिपल चाहिए था, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए था, इसीलिए वी वन प्लस आई एन जी लगाना था। रिटार्ड ने तो, रिटार्ड तो एक वर्ब की तरह काम करता, वर्ब अब मुझे चाहिए ही नहीं, जब एक बारी में वर्ब सेंटेंस में कॉज्ड आ गई तो अब मैं क्यों बार बार वर्ब लगाऊंगा, ये वाली वर्ब तो आ ही नहीं सकती थी, आती भी तो इसका सब्जेक्ट नहीं मिलता, इसीलिए मुझे यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से वी वन प्लस आई एन जी लगाता रिटार्डिंग। यानी सी के किस पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है, और ए के सेकंड पार्ट में एरर था, तो ए इसका आंसर बनता। बात क्लियर? अब एक बारी आगे पढ़ लो, आगे देखो क्या कहता है जी। इसमें थोड़ी सी बोल्ड में देने थे, बोल्ड में दिए नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, हम बोल्ड में इनको कर लेते हैं, लेकिन हम बोल्ड में करेंगे तो ये वर्ड छुप जाएंगे। एक ये हो गया जी, एक होता है बाय न्यूमरस एड प्रोमिसिंग ए बैलेंस्ड फेडरल बजट, एक सेकंड बैलेंस्ड फेडरल बजट बट ऑफर्ड नो स्पेसिफिक्स ऑन हाउ टू अचीव इट। एक मिनट एक मिनट, एक मुझे बैलेंस्ड को देखना है, एक मुझे ऑफर्ड को देखना है, कहाँ है ऑफर्ड, ऑफर्ड ऑफर्ड को देखना है, और एक मुझे किसे देखना है जी, अचीव को देखना है। अब पढ़ो तुम सेंटेंस पढ़ो, कहते द पैनलिस्ट वर पुट ऑफ बाय न्यूमरस एड्स, जो पैनलिस्ट है ना उनको पुट ऑफ किया बाय न्यूमरस एड प्रोमिसिंग ए बैलेंस्ड फेडरल बजट, और उनसे प्रोमिस किया कि तुम्हें कैसा बजट मिलेगा, एक बैलेंस्ड फेडरल बजट मिलेगा। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं भी पता था, तो ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब इस वाले ऑफ से बनती है, ना कि इस सिंगल ऑफ से, तो ये तो रिप्लेस होनी नहीं थी। अब भाई प्रॉमिस क्या करोगे, एक चीज़ में बैलेंस ही तो लाओगे, उस चीज़ को ख़राब करोगे, बैलेंस लाओगे, तो बैलेंस हटा के डिसबैलेंस कैसे लगा दूंगा, गड़बड़ कर रहा है ना क्या। बेल प्रोमिसिंग ए बैलेंस फेडरल बजट बट ऑफर्ड नहीं, अब इसने ऑफर्ड को वर्ब की तरह दिखाया, लेकिन मुझे क्या दिखाना था, मुझे चाहिए था कि भाई और पुट ऑफ बाय न्यूमरस एड्स एड्स प्रोमिसिंग ए बैलेंस्ड फेडरल बजट बट ऑफरिंग नो स्पेसिफिक्स ऑन हाउ टू अचीव इट, लेकिन ऑफर नहीं कर रही, बट ऑफरिंग नो स्पेसिफिक, तो यहाँ पर वर्ब नहीं चाहिए, ऑफर तो इसने वर्ब लगाई, मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, इसीलिए मैं ऑफरिंग को लगाता, ऑन सॉरी कहाँ गया, बट ऑफरिंग नो स्पेसिफिक्स ऑन हाउ टू अचीव इट, बिल्कुल अचीव ही तो करना है, अवॉइड क्यों करना है, उस चीज़ को अचीव ही तो करना चाहते हैं हम कि भाई बैलेंस ला तो देंगे, लेकिन लाओगे कैसे, नहीं मुझे पता लगा कि सिर्फ थर्ड और सेवन्थ में रिप्लेसमेंट करनी थी, इसका नंबर था जी थर्ड और सेवन्थ, यानी इस ऑफर को हटा के यहाँ पर ऑफरिंग कर देते, बाकी पूरा सेंटेंस सही था, थर्ड और सेवन्थ में गड़बड़, ये क्या किया भाई, इसने ऑप्शन नहीं दिया क्या, थर्ड और सेवन्थ का इसने ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा ये यहाँ टाइप नहीं हुए, ये यहाँ रह गए ना, इसने ये ऑप्शन दिया तो था, यहाँ थर्ड लगाना था, थर्ड और सेवन की रिप्लेसमेंट किस में करें, थर्ड और सेवन में करो, तो इसका आंसर लगता डी, यहाँ थर्ड आएगा बच्चों, टाइप करने में छूट गया, थर्ड और सेवन, ठीक है। अब 34 को पढ़ लो, फिर वही काम, रिप्लेस करना है, क्या है पहले वाला है देन, एक बारी मार्क कर लेते हैं इसको, देन अगले वाला है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और उससे अगले वाला है कॉरपोरेट, और उससे अगले वाला है फुट। आप एक बात पढ़ो, देर आर देन क्लियर साइंस, देन का मतलब तो होता है तब, लेकिन साइन को देख के पता लगा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो देन की बजाय क्या चॉइस बनती, नाउ, देर आर नाउ क्लियर साइंस, इसीलिए फर्स्ट को तो रिप्लेस करना पड़ेगा फिफ्थ के साथ में। There are now clear signs that the commercial development, development क्या हो, advancement को, बात बराबर थी, तो जब development में कोई गड़बड़ ही नहीं है तो मैं इसको रिप्लेस कैसे करूँगा, जब गलती होती है तभी तो उसे हटाओगे, गलती नहीं कर रहा। That the commercial development of the net and a takeover by किसने, corporate conglomerates is under foot. Conglomerates का मीनिंग होता है जो समूह हो, ग्रुप ऑफ चीज़ों से बनी हो, इज अंडर फुट, फुट नहीं होता, फुट तो पैदल की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात थोड़ी कर रहा है, कोई यहाँ लिविंग चीज़ थोड़ी है जिसकी पैदल की बात करी, वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ वे पर है, रास्ते पर है, वो चीज़ होएगी, यानी यहाँ पर पहले और पहले को पाँचवें से रिप्लेस करो, चौथे को आठवें से रिप्लेस करो, ऐसा ऑप्शन आपके सामने ए ही है, तो ए इसका आंसर बनता। आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, हैंस फोर्थ वी शुड बी आस्किंग आवर लोकल अथॉरिटीज टू इंस्टॉल व्हील चेयर एक्सेस गेट्स इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी किसिंग गेट्स वेयर एवर पॉसिबल। अब एक बात समझो, रिप्लेस करना था, चूज क्या क्या करवाना है जी, कहते हैं हैंस फोर्थ को बदलो, ठीक है, आस्किंग को बदलो, ठीक है, एक्सेस को बदलो, ठीक है, और ऑर्डिनरी को बदलो।
हैंस फोर्थ वी शुड बी आस्किंग आवर लोकल अथॉरिटीज़। हैंस फोर्थ का मतलब होता है निकटतम भविष्य में या इसके बाद हम अपनी अथॉरिटीज़ से पूछेंगे। क्या पूछेंगे भाई लोकल अथॉरिटीज़ से, कि आप इंस्टॉल करो ना ऐसे गेट लगाओ जो व्हीलचेयर एक्सेस हो। व्हीलचेयर मतलब ऐसे गेट जिनसे कोई बंदा व्हीलचेयर्स के थ्रू भी निकले। इन प्लेस ऑफ कैसे गेट्स को हटा के, ऑर्डिनरी किसिंग गेट्स को, किसिंग गेट्स को हटा के जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ आप व्हीलचेयर वाले गेट लगाओ। टू इंस्टॉल व्हीलचेयर एक्सेस गेट। अब यहाँ दो मीनिंग निकल के आए भाई। व्हीलचेयर वाला जो मेरे को मीनिंग समझ में आया वो तो यही वाला है कि व्हीलचेयर वाला बंदा भी उससे पास होके जा सके, किसिंग गेट को हटा दो। या फिर व्हीलचेयर हो सकता है जैसे किसी गेट का नाम किसिंग गेट था वैसे ही किसी गेट का नाम व्हीलचेयर गेट हो। तो यहाँ सेंस थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, लेकिन उलझना नहीं क्योंकि इसको रिप्लेस करना ही नहीं। तो भाई उस तक पहुंच चाहिए ही, तो एक्सेस तो होता है कोई चीज एक्स्ट्रा में, कोई चीज एक्स्ट्रा में थोड़ी चाहिए, एक्सेस मतलब पहुंच चाहिए, तो इसको हटाओ, ये तो रिप्लेस होने नहीं था। लर्क का मीनिंग होता है हिडन, हिडन जैसी कोई बात ही नहीं। आप गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, डिमांड करोगे, उसके लिए हम आस्किंग लगा सकते हैं। अब बारी आई ऑर्डिनरी किसिंग गेट्स, एक सेकंड, ऑर्डिनरी किसिंग गेट्स। हाँ तो इसके अंदर क्या गड़बड़ थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। हिडन गेट क्यों, ऑर्डिनरी मतलब जो कॉमन आपने किसिंग गेट्स लगाए हैं उनको हटा के आप ये वाले व्हीलचेयर वाले गेट लगाओ, तो इसको भी हटा दिया। हैंस फोर्थ या फिर परहैप्स, हैंस फोर्थ या फिर परहैप्स। तो बच्चों हैंस फोर्थ का मतलब भविष्य में और परहैप्स का मतलब शायद। तो कहते भाई संभवत है कि हम सरकार से, लोकल अथॉरिटी से ऐसी डिमांड करेंगे कि व्हीलचेयर वाले गेट लगाओ, किसिंग गेट्स को हटा के। इसीलिए फर्स्ट और फिफ्थ को रिप्लेस करना था, फर्स्ट और फिफ्थ को रिप्लेस करना था। कोई बच्चा कहे जी किसिंग गेट क्या होता है, तो भाई सुनो पार्क वगैरह में जाते हो, ये पार्क होता है, इसके सामने गेट नहीं होता, ये कैसा अजीब सा गेट होता है, इस गेट को यूं गेट होता है, इसको एक बार यहाँ बिठाओ, बंदा यहाँ गया, फिर इसको यहाँ कर दो, फिर आप यहाँ से चले गए। यानी जानवर उस गेट में नहीं जा सकते, उस गेट से इंसान ही जा सकता है। एक बार अब ये यूं गेट है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, यूं गेट है, इसको आप यहाँ से धक्का दोगे ना तो ये गेट क्या करेगा जी, ये गेट अपनी पोजीशन को बदल लेगा। इसको आप यहाँ से जब धक्का देते हो तो ये गेट क्या करता है, ये अपनी पोजीशन बदल के यहाँ जाता है। अब बंदा हमारा यहाँ पहुँच गया, अब वो इसको क्या करेगा जी, अब वो इसको इस साइड खींचेगा, अब ये यहाँ गया, बंदा पार्क के अंदर चला। उन गेट्स को किसिंग गेट्स कहते हैं, उनका नाम होता है, ठीक है। लेटिन नाम पड़ा था इसीलिए इसका नाम ऐसा रख दिया, किसिंग गेट्स। लेटिन में ऐसे गेट्स बनाए गए थे दूसरे देश में, तो भाई उन्होंने इसका ऐसा नाम रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कहाँ बदलना था जी, फर्स्ट और फिफ्थ को चेंज करना था। आगे क्या कहता है, द सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स न्यू इश्यूज गेट अंडर वे इन द प्राइमरी मार्केट एंड देयर फोर प्रोवाइड कैपिटल फॉर ग्रोइंग कंपनीज। इसमें क्या गड़बड़ है भाई, कोई गड़बड़ नहीं लग रही। सेकेंडरी मार्केट जो है हेल्प करती है न्यू इश्यूज की गेट अंडर वे इन द प्राइमरी मार्केट में और प्रोवाइड करने में कैपिटल फॉर ग्रोइंग कंपनीज। कोई इशू नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी रिप्लेस नहीं करेंगे, None of the above, no replacement required, कोई भी replacement की आवश्यकता इसमें पड़ी ही नहीं। अब पढ़ लो इनको, देखो क्या कहता है ये कहता है जी इसने तीन फिलर दिए और आपको दो वर्ड दिए, इन दोनों वर्ड्स को तीन फिलर्स में भरना है। ये कुछ कुछ ऐसी बात करता है भाई साहब हमारा। तो ये क्या कहता है जी, ये कहता है ऑन हियरिंग द बेल रिंगिंग, जैसे ही उसने घंटी की आवाज़ सुनी, रचेल किसी का नाम है, डैश डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरफ भागा। आगे कहता है द रोड डैश इट्स वे अलोंग द हिल साइड, जो रोड है वो अपना रास्ता निकालती है हिल साइड पहाड़ी के बराबर में से। आगे कहता है द इंजरी टू हिज लेग, इंजरी टू हिज लेग, उसके पैर को जो इंजरी हुई, द इंजरी टू हिज लेग मेंट द यंग लेफ्टिनेंट वाज गोइंग टू बी डेथ, भाई पैर में चोट लगी उससे क्या हुआ कि जो हमारा ये यंग लेफ्टिनेंट था, यंग ऑफिसर जो था, वाज गोइंग टू बी डेस्क, अब वो डेस्क पर जाएगा मतलब बेड पर जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज आर्मी करियर, ऐसी कोई बात कर रहा है। अब आप पढ़ो ऑप्शंस, ऑप्शन में दिया बाउंड और विंड्स। तो एक बात बताऊं तुमको, एक तो बाउंड जब वर्ब की तरह काम करता है, ये दोनों ही ऐसे वर्ड थे जो वर्ब की तरह भी काम करते हैं, नाउन की तरह भी, वर्ब की तरह अलग मीनिंग, नाउन की तरह अलग मीनिंग। तो भाई जब बाउंड वर्ब की तरह काम करता है, जब ये बाउंड हमारा वर्ब की तरह काम करता है, तो इसका एक मीनिंग तो क्या होता है जी, बांधना। क्या मीनिंग होता है जी, बांधना, है ना। कहता भी तो है वी आर बाउंड बाय दिस, हमने, हमको इस चीज ने बांधा हुआ है, एक मीनिंग होता है इसका बांधना। दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, सीमित होना। आपने किसी चीज को बांध दिया तो वो चीज एक्चुअल में तो लिमिट हो गई ना भाई, हम दोनों एक वादे से बंधे हुए हैं मान लो, तो
अब ये एक लिमिट होगी ना, इस वादे को तोड़ नहीं सकते, ये एक लिमिट पॉइंट होगी। तो इस बाउंड का मैं वर्ब के तौर पे ये एक ही मीनिंग काउंट करता हूँ कि बांधना या फिर एक लिमिट देना, है ना। और अब तुम मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें पता है, हमने पढ़ा था, लीप एंड बाउंड आता था, एक खरगोश इतनी छलांग मारता है, कछुआ इतनी छलांग मारता है। उस बाउंड में जब नाउन का मीनिंग होता है तो क्या मीनिंग देता है जी? कूदना। कूदना क्या मीनिंग देता है भाई? कूदना। बात क्लियर? अब इसी तरह विंड है, दोनों तरीकों से काम करेगा, नाउन की तरीके से भी और वर्ब के तरीके से भी। नाउन के तरीके से तो आंधी, वर्ब के तरीके से एक मीनिंग आंधी आना और एक मीनिंग टेढ़े मेढ़े होकर जाना। आंधी कैसे चलती है? आंधी हमेशा सीधी चलती है क्या? आंधी ऐसे ही तो चलती है, तो इसको यूं याद कर लो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, टेढ़े मेढ़े से होके जाना। अब आप पढ़ो, रचेल भाई साहब ने जैसे ही घंटी सुनी उसने क्या किया? वो कूदते उछलते सीढ़ियों की तरफ भागा, सीढ़ियों से नीचे गया देखने। यानी यहाँ नाउन चाहिए था और नाउन के तौर पे बाउंड काम करता, यानी फर्स्ट ऑप्शन में मुझे बाउंड लगा देना चाहिए था आंख बंद करके, यानी फर्स्ट वाले में मैं ए को लगा सकता था। अब सेकंड को देखो, रास्ता कैसे जाता होगा पहाड़ी में से? टेढ़ा मेढ़ा होके घूमता फिरता जाता होगा। इसमें पूरे में वर्ब ही नहीं आई, मैंने तुम्हें सिखाया था सेंटेंस की जान ही वर्ब है, वर्ब नहीं आई तो सेंटेंस मुर्दा है। सेंटेंस को जिंदा करो, वर्ब दो। बाउंड तो यहाँ पर नाउन है, अभी सेंस निकाल लेते हैं कि फिर तो वर्ब चाहिए थी, यहाँ वर्ब ही इकलौती क्या थी जी? विंड थी, है ना भाई। आगे क्या कहता है? द रोड विंड्स इट वे अलोंग दी हिल साइड। हाँ बिल्कुल, ये सत्य की बात है। कोई बच्चा कह दे जी बाउंड भी तो वर्ब हो सकती थी, तो भाई बाउंड वर्ब पास्ट में होती, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ था तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ता। आगे पढ़ो, आगे कहता है जी, अब उसको इंजरी हो गई, उस यंग ऑफिसर को, तो अब क्या होगा? वो बंदा बेड तक सीमित हो गया ना, बांध दिया ना उसको बेड पे। वाज गोइंग टू बी डेस्क बाउंड, कहाँ बन जाएगा? डेस्क तक वो बंदा बंध गया। तो यहाँ भी ए ऑप्शन आता, यानी क्या सीक्वेंस बनाया मैंने? ए बी ए सीक्वेंस बना जी, ए बी ए। अब ढूंढ लो ए बी ए है क्या कहीं? ए बी बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी ए बिल्कुल बन गया, सी ऑप्शन इसका आंसर लग जाता जी, सी ऑप्शन इसका आंसर लग जाता। अब आप 38 को पढ़ो, सेम वही काम करो दोबारा से, देखो क्या कहता है। 38 को पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है? विद द प्रेजिडेंट इनडिस्पोज द वाइस प्रेजिडेंट हैड टू सर्व एज द डैश फॉर द अपकमिंग फॉरन टूर। इनडिस्पोज का मतलब बीमार। कहते हैं राष्ट्रपति साहब बीमार हैं, इसलिए जो उपराष्ट्रपति जी है ना, आने वाले विदेशी दौरे पे वही जाएंगे। आगे कहते हैं द डैश प्रोसेस हैज गिवन द होप ऑफ इंजॉइंग पेरेंटहुड फॉर मैनी चाइल्डलेस कपल। एक प्रोसेस ने बहुत से कपल्स को होप दे दी, उन कपल्स को जिनके कोई भी संतान नहीं थी, चाइल्डलेस कपल जो था उनको इस प्रोसेस ने होप दे दी कि भाई तुम्हारे भी बच्चा हो सकता है। अब पढ़ो अगले में क्या कहता है। द एक्स स्टूडेंट्स वर आउटरेज, आउटरेज होता है गुस्से से भर गए, एट द वे इन विच, किस वे में, इन विच द गुड नेम ऑफ देयर एल्मा मैटर। एल्मा मैटर बेसिकली आपका वो कॉलेज होता है जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन की हो, स्कूलिंग की हो, जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की हो, वाज बींग डैश। अब आप सेंस पकड़ो ना, सैरोगेट का एक मीनिंग होता है रिप्लेस करना, आपने पढ़ा होगा सैरोगेसी मदर होता है ना, उसमें क्या होता है? सैरोगेसी टेक्निक से मदर वो पेरेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो भाई वही बात तो कर रहा है कि जो चाइल्डलेस कपल है, मान लो उन्हें कोई भी मेडिकल दिक्कत थी, किसी एक को भी दिक्कत थी, तो उनको बेबी नहीं हो रहा था, तो सैरोगेसी के थ्रू, रिप्लेसमेंट के थ्रू उनको बेबी हो गया। तो किस प्रोसेस ने उनको होप दी? सैरोगेट प्रोसेस ने उनको हेल्प होप दी, यानी मुझे पता लगा सेकंड के अंदर ए है। सैरोगेट का मीनिंग होता है प्रतिनिधि करना, रिप्लेस करना किसी को, है ना। अब आप पढ़ो 38 के ए पार्ट को, यहाँ क्या कहता है जी? जब राष्ट्रपति बीमार हो जाएंगे तो कौन जाएगा उसका, कौन प्रतिनिधित्व करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर सैरोगेट यहाँ भी फिट हुआ, यानी मुझे पता लगा ए ए की सेंस आई। अब आप एक बात पढ़ो, वो बच्चे क्यों गुस्सा हो गए कॉलेज वाले, एक्स स्टूडेंट्स क्यों गुस्सा हो? क्योंकि उनके कॉलेज का नाम किसी ने बिगाड़ दिया, गलत तरीके से नाम लिया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। सुलिट का मीनिंग ही क्या होता है एक्चुअली में? तो ये वर्ड वर्ब थी, एक्चुअली में ये जो वर्ड था ये एक वर्ब थी सुली। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू स्पॉयल, टू टर्निश, टू डिस्ट्रॉय, खराब करना, गलत तरीके से रखना, इसीलिए वो बच्चा गुस्सा हो गया, उनके कॉलेज का गलत नाम लिया। तो आपको पता लगा सेंस बनी ए ए बी, ए ए बी, ए ए बी ढूंढ लो कहाँ है, ए ए बी, बी बी बी, ए ए बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दूसरे वाले में ही सेंस मिल गई। 39 को पढ़ो जल्दी से, देखो 39 में क्या कहते हैं। आज की शीट में तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे। ड्यू टू दिस स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल देयर इज डैश ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। क्योंकि स्कार्सिटी होता है कमी, बारिश की कमी है, पानी नहीं आ रहा, इसीलिए ना गांव के नलके में से पानी आप नहीं निकाल सकते,
ऐसा थोड़ी है पानी नहीं आ रहा तो आप उसमें से पानी निकाल लो, खत्म हो जाएगा। इसीलिए ड्रॉइंग वेल में से वाटर नहीं निकालना होगा उसमें से। आगे कहता है एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेंस विद इन द डैश देयर इज नो डेंजर। कहते हैं जब तक तापमान उस चीज़ के अंदर रहता है कोई खतरा नहीं। उस चीज़ के अंदर क्या तापमान कहाँ रहेगा, कोई कटोरी में थोड़ी रहेगा, तापमान एक लिमिट में रहेगा, है ना। बिना ऑप्शन देखे थोड़ी थोड़ी चांस निकल रही है ना। कह रहे ही वॉज लिटरली शूट डेड, ही वॉज लिटरली शॉट डेड एट द डैश ऑफ हिज ओन हाउस। उसे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई उसकी, कहाँ, एट द डैश ऑफ हिज ओन हाउस, उसके घर के आगे। अब ऑप्शंस पढ़ लो, दो ऑप्शन मिले, एक मिला थ्रेशहोल्ड, एक मिला रेस्ट्रिक्शन। तो भाई रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, रोक टोक मनाई है। तो पहले वाले में यही तो बात कह रहा है कि भाई बारिश नहीं हो रही, कुएं में से पानी मत निकाल लेना, यानी पहले वाले में तो बी ऑप्शन फिट हो गया। दूसरे वाले में साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती थी, एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती थी कि उसके बाद अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो खतरा होता है। तो वही तो बात कह रहा है कि अगर इसके बाद में टेम्परेचर बढ़ गया ना तो खतरा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये यहाँ तक बार था, मानो यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाओ कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ आ गए आप, एक कदम भी आ गए तो खतरा है, तो डेंजर है। तो वैसे ही तो बात करेगी, जब तक टेम्परेचर कंट्रोल में है, थ्रेशोल्ड में, तब तक कोई गड़बड़ नहीं, उसके बाद गड़बड़ होगी। तो बी ए की राइम मिली। एक थ्रेशोल्ड का एक मीनिंग और होता है, हालांकि सेम ही मीनिंग होता है। ये एक ग्राफ है भाई, आप एक बात समझो, थोड़ी सी वाइड सोचा करो। यहाँ तक आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अगर तुम पहुँच गए ना, तुम इस लाइन को पार कर गए, तो ये गड़बड़ है। तो ये लाइन एक्चुअली में तुम्हारे लिए क्या है बोलो, ये लाइन एक्चुअली में दहलीज है। दहलीज होती है ना मकान की, वही तो बात कर रहा है कि उसको गोली मार दी गई, कहाँ, जब वो अपने ही घर की दहलीज पे बैठा था, है ना, तब उस बेचारे को गोली मार दी। तो यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, थ्रेशहोल्ड। अब थ्रेशहोल्ड एक दहलीज की तरह काम कर रहा है भाई। तो क्या राइम बनाई थी आपने, बी ए ए, क्या राइम थी जी, बा, बी ए ए, ढूंढो ऑप्शन। बी ऑप्शन मिल रहा है, बी ए ए, सी नहीं, बी, बी ऑप्शन मिल रहा है क्या, बी ए ए इसका आंसर बन गया। ठीक है क्या, 40 को पढ़ लो जल्दी से। 40 में कहता है ऑल्दो ही वॉज डर्टी हंग्री एंड टायर्ड, हालांकि वो डर्टी था, गंदा था, भूखा था, भूख लगी हुई थी, थका हुआ था, लेकिन ए हॉट शावर एंड ए कप ऑफ कॉफ़ी, लेकिन ए हॉट शावर एंड ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी सीम टू डैश हिम इन नो टाइम। भाई वो बंदा थका हुआ है, भूखा है, डर्टी है, अगर उसने शावर लिया, नहा लिया, तो वो डर्टी था वो भी ख़त्म हो गया, कॉफ़ी पी ली उसकी भूख भी मिट गई, और भाई उसको जो थकान हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इन्होंने क्या किया होगा, हिम इन नो टाइम, उसे रिलैक्स कर दिया होगा, उसे एनर्जी से भर दिया होगा। मैंने ऑप्शन पढ़ा इनविगोरेट, इनविगोरेट का एक मीनिंग तो यही होता है, एनर्जी से भर देना, इन्होंने इसको एनर्जी से भर दिया। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट सेंस आई, फर्स्ट का बी बिल्कुल ओके सेंस आई। देखो यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन थे, इसलिए मैं इनमें ऑप्शन से नहीं खेल सकता था, वरना मैं आपको यहाँ ऑप्शन से खेल के भी दिखाता कि ऑप्शन से कैसे खेलते हैं टाइम बचाने के लिए। आगे कहते हैं दिस डैश हॉस्टेलिटी बिटवीन द टू नेशंस दैट हैज़ बीन ए हाईलाइट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 70 ईयर्स। हॉस्टैलिटी क्या होती है, शत्रुता। कहते हैं ये जो रंजिश है ना, ये पिछले 70 सालों से चल रही है, इसी वजह से ये दोनों नेशन क्या हैं, अब क्या हैं ये दोनों नेशन, अब चर्चाओं में है। तो भाई वर्ड दिखा इनवेटरेट, इनवेटरेट का मीनिंग क्या होता है, निरंतर। एक मीनिंग तो होता है ओल्ड, पुराना, और ओल्ड पुराने से ही दूसरा मीनिंग निकलता है, निरंतर बुरी आदतें जो हम रख रहे हैं, यानी पुरानी बुरी आदतें, ऐसी सेंस देता है। तो भाई ये दुश्मनी कैसी है, 70 साल पुरानी है, ओल्ड है, तो यहाँ इनवेटरेट भी आ सकता है, यानी मुझे मिला बी और ए का पेयर, यानी बी और ए हो गया। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो तुम्हें लास्ट वाले को पढ़ना है। By the time he was 30, he had turned into a dash gambler. कहता है जब तक वो 30 साल का हुआ था ना, तब तक तो वो एक गैम्बलर, एक जुआ खेलने वाले में पूरी तरह तब्दील हो गया था। तो कैसा गैम्बलर था, एक निरंतर बुरी आदतें करने वाला था ना, एक निरंतर बुरी आदतें करने वाला था। तो यहाँ क्या आना था, इनवेटरेट आना था, यानी राइम बनाई ए बी बी, ए बी बी है जी फर्स्ट में, ए बी बी है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ए बी बी नहीं, राइम बनाई इनविगोरेट था ना, इनविगोरेट था, तो बी ए ए राइम बनाई, बी ए ए, बी ए ए, बी ए ए है सी में, सी इसका आंसर होता, बात क्लियर। अब 41 को पढ़ो, देखो क्या था, दो फिलर दे दिए, पहले वाले में 3 वर्ड दे दिए, दूसरे वाले में 3 वर्ड दे दिए। भाई इसके अंदर ना, पहले वाले में, इस वाले में से पहले फिलर के अंदर यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड आ सकते थे,
इसी तरह दूसरे वाले के भी इसने तीन ऑप्शन दिए थे, तो उसमें भी एक से ज़्यादा वर्ड आ सकते थे, आपको वही चूज़ करना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जल्दी से पढ़ो, कहता है इंडियन वेस्ट कोस्ट सीज डैश साइक्लोनिक एक्टिविटीज देन द ईस्टर्न कोस्ट डैश दी बे ऑफ बंगाल। सब बच्चों को पता है क्या? सब बच्चों को पता है भारत देश तो मैं यहाँ नहीं बनाऊँगा, मेरा नक्शा ख़राब बने बनाना आता है मेरे को, ढंग से नहीं बनेगा भाई। ये इंडिया है, एक सेकेंड, ये इंडिया है, मान लो ये इस साइड वाला पार्ट जो है ये तमिलनाडु, श्रीलंका, कर्नाटका, ये केरल, गोवा, इस वाले को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस वाले को ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ऐसा ही है। तो क्या कहता है भाई, जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, इस साइड भी समुंदर है, तो जो इस वेस्टर्न कोस्ट पे ना तूफानी एक्टिविटीज़ होती हैं किसके मुकाबले, इस वाले कोस्ट। तो आपको तो पता ही है यहाँ तूफान वगैरह कम आते हैं, यहाँ तो बीच भी है गोवा पे, लोग घूमने भी जाते हैं, यहाँ कितने तूफान आते हैं, बे ऑफ बंगाल तो इधर ही है, यहाँ तो एक वो काल बैसाखी नाम का तूफान भी आता है, यानी हम सब बच्चों को पता है, हमने जीएस में भी पढ़ा था, कॉमन सेंस भी थी कि भाई वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट तटीय में ये जो क्षेत्र था, कौन सा बोलते हैं इसको, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कम तूफान आते हैं किसके मुकाबले में, पूर्वी तटीय क्षेत्र के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा तूफान आते हैं। तो अब भाई यहाँ क्या लगाओगे, लेस, देख लो ऑप्शन में इनफ, मोर, लेस। इनफ नहीं आ सकता, इनफ क्या होता है कि हाँ, इनफ का मतलब होता है उपयुक्त, सही है, इतना ही चाहिए, इतने ही तूफान आते हैं, नहीं मोर नहीं, लेस तूफान आते हैं, यानी लेस चाहिए। और यहाँ वाले में कैसे आएंगे, यहाँ वाले में ऑप्शन पढ़ लो अब तुम, अलोंग साइड, अक्रॉस या फिर अलोंग। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, ए वाले में, एक सेकंड, फर्स्ट वाले में सिर्फ सी ऑप्शन आ सकता है, फर्स्ट वाले में सिर्फ सी ऑप्शन आ सकता है, अब ऑप्शन से खेलना। यहाँ कहता है ए आए, ए आए, ए आए, ए आएगा ही नहीं, फर्स्ट वाले में सिर्फ सी ऑप्शन आएगा, ए की आंसर बचा डी, और यहाँ था अलोंग, अलोंग दी बे ऑफ बंगाल, अलोंग दी बे ऑफ बंगाल, बना लिया क्या? अब पढ़ो जल्दी से 42 को, देखो 42 के अंदर क्या कहता है, 42 के अंदर कहता है आवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव क्रिएटेड ए डैश साइकिल ऑफ फीडबैक लूप्स डैश क्लाइमेट चेंज। अब ना, अब इसमें भी नन ऑफ दी अबव ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दी अबव नहीं तो तुम यूं समझा करो तुम्हारी लॉटरी लग गई, चाहे बात मैथ की कर लेना मेरे साथ में, चाहे बात कर लेना इंग्लिश की, नन ऑफ दी अबव नहीं तो भाई ऑप्शन से खेलेंगे। देखो क्या कहता है, मुझे दूसरे वाले को पढ़ के क्या पता लगा, एक सेकंड, दूसरे सेंटेंस को पढ़ के मुझे पता लगा कहाँ है, कहाँ है, आवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव क्रिएटेड ए साइकिल ऑफ फीडबैक लूप्स क्लाइमेट चेंज। भाई ये पूरा एक ही सेंटेंस था, जहाँ सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ फुल स्टॉप लगाई, एक सेंटेंस शुरू हुआ एक सब्जेक्ट के लिए, कितनी फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए एक वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्रिएटेड मेन वर्ब आ गई, ये पूरा एक पेयर आ गया किसका बच्चे, फाइनाइट वर्ब का, किसका, फाइनाइट वर्ब का। अब आगे आने वाले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती, तो मुझे पता लगा यहाँ इस सेकंड ऑप्शन में पार्ट ऑफ स्पीच से अगर मैं जाऊँगा तो फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी, तो ये गधा क्या गलती कर रहा था, ऑप्शन में इस्टेब्लिशिज दे रहा था, इस्टेब्लिशिज क्यों आएगा भाई, फाइनाइट वर्ब आती नहीं, हम तो सब बच्चे अब समझदार हो गए, फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी, ये तो वी वन के पीछे एस लगा के फाइनाइट बना रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया, इस ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। अब आप चूज करो, एफ नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, कितने ऑप्शन बचे, ए के साथ डी, ए, ई, सी, डी, यानी तुम्हें एक बात पता लगी, पहले वाले फिलर के अंदर, पहले वाले फिलर के अंदर ए तो हर हाल में आएगा ही आएगा, अब मैं ए को चाहे ना भी पढूं, अब तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई दूसरे वाले में क्या कहता है, एक बार कहता है डी और ई, दूसरे वाले में दोनों फिट हो सकते हैं क्या, डी और ई, तो बिल्कुल ए फिट करके देखो क्या कहते हैं जी, विशियस, आवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव क्रिएटेड ए विशियस साइकिल ऑफ फीडबैक लूप। ग्रीन हाउस गैस एमिशन ने एक विशियस साइकिल क्रिएट कर दी, हानिकारक साइकिल क्रिएट कर दी, किस चीज़ की, क्लाइमेट चेंज की, उस वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो भाई ऑग्यूमेंट का मतलब भी होता है इंक्रीज, और रीएनफोर्स का मीनिंग भी होता है स्ट्रेंथ कर देना है, दोनों के दोनों वर्ड्स आ सकते थे, और दोनों ही दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब थी, सब बच्चे समझदार हैं, वी वन प्लस आई एन जी विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि आ सकती है, यानी मुझे पता लगा कि सेकेंड ऑप्शन में ई और डी दोनों आंसर आ सकते थे, बात क्लियर, आपका आंसर क्या बना, ई ऑप्शन बना। अब लास्ट पढ़ लो आज का, क्या कहता है जी, ये कहता है इफ ओनली इंडियंस न्यू बाबर बेटर दोज नो डैश बाय गोटरी माइट फाइंड ए पर्सन वर्दी ऑफ डिश। कहता है भाई अगर भारतीय जानते हैं ना बाबर को किस हिसाब से, दोज नो डैश बाय गोटरी, भाई सबको पता है बाबर कट्टर था,
बाबर एक कट्टर व्यक्ति था, है ना, एक धर्म के लोगों को मार दिया था, दूसरे धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया था। तो कहता है अगर आप इस कट्टर सोच को छोड़ के इसको कट्टरवाद से हटा के देखते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि बाबर भी एक ऐसा पर्सन है। वर्दी किस चीज़ का वर्दी है, सारे ऑप्शन देखो किस चीज़ का वर्दी है, एस्टीम प्रेज एडमायरेशन, फिर से वही बात कर दी। अब हम फिर से ऑप्शन से खेलेंगे। ऑफ एक प्रीपोजिशन, सब बच्चों को पता है प्रीपोजिशन आई है तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन प्रोनाउन, इनमें से कोई भी प्रोनाउन नहीं है, यानी अब ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन नाउन। अब आपने देखा एस्टीम्ड, भाई एस्टीम्ड तो वर्ब थी, सब बच्चों को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये तो नाउन की तरह काम ही नहीं करती, तो एस्टीम्ड तो आंसर नहीं आ सकता था। प्रेज भी एक नाउन होता है, एडमायरेशन भी एक नाउन होता है, ये दोनों नाउन होते हैं, यानी ये दोनों के दोनों ऑप्शन आ सकते थे और दोनों ही आएंगे, दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। अब पूरा सेंटेंस ना भी पढ़ते, ऑप्शन से ही खेल लेते। डी को हटाओ, डी किसी भी हालत में नहीं आएगा, यहाँ कहता है डी आएगा, यहाँ कहता है डी आएगा, नहीं आएगा। मुझे पता है ई और एफ दोनों सेम मीनिंग देते हैं, तो भाई दोनों ही सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा आप, क्योंकि ये भी समझदार हो गया, ये भी हमें ऑप्शन से नहीं खेलने देगा। ये कहते हैं सेकंड में ई भी आ सकता है, सेकंड में एफ भी आ सकता है, सेकंड में ई भी आ सकता है, सेकंड में एफ भी आ सकता है, लेकिन ए और एफ का पेयर है। कहते हैं जब ए पहले वाले में आता है तो दूसरे वाले में एफ आता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें बस इतना सा देखना है कि जब ई दूसरे वाले में आता है तो पहले वाले में बी लगाऊं या फिर सी लगाऊं। आ जाओ फिर देखते हैं। देखो ब्लाइंडेड का मतलब होता है कि आपने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, एक तरह से अंधे हो गए। ओवरकम का मतलब वही होता है, मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, मैं इस कमी को इस कमी से हटा सकता हूँ, इस कमी को इस खूबी से हटा सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ। भाई ओवरकम इसके अंदर कंप्लीट सेंस जनरेट कर रहा है। देखो इफ ओनली इंडियंस न्यू बाबर लेटर, सॉरी इफ ओनली इंडियंस न्यू बाबर बेटर दोज नॉट ओवरकम बाय गोट्री। भाई वो जो ओवरकम ना हो पाए किस चीज़ से, उसकी कट्टरवाद वाली बुराई से ओवरकम ना हो पाए, तो उनको पता है कि बाबर भी इज्जतदार व्यक्ति था, इज्जत करने लायक था, ये ऐसा कह रहा है, हालांकि हम ऐसा नहीं समझते। तो भाई ओवरकम आ सकता है, और ओबेस्क्योर का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, ओबेस्क्योर का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, तो ऐसी तो कोई बात ऑथर कर ही नहीं रहा, धुंधला सा धुआं सा ऐसी बात होती है ओबेस्क्योर का मीनिंग में, ऐसी कोई सेंस नहीं देता। आंसर क्या बचता, बी, यानी तुम्हें पता लगा कि बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा जी, बी ऑप्शन आएगा, तो बस फिर क्या गड़बड़ हो गई, बी और ई का पेयर बना रहे, ए इसका आंसर बनता। ये थी हमारी आज की शीट, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, पसंद आई है लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, कमेंट्स में बताओ क्या गड़बड़ हो गई, और आज भी इसका टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये 14 नंबर की शीट थी, ठीक है, मिलते हैं अगली शीट में, थैंक यू स्टूडेंट्स।